तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस एंडर। बहुत दिन हो गए थे मेरे को डू या स्कोर का गेम प्ले डालते हुए, तो मैंने सोचा यार आज सोलो खेलते हैं। एंड पबजी का ऐसा कोई मोड है जहाँ पे आपकी जो स्किल्स है वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव होती हैं, तो भाई वो है सोलो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बचाने वाला कोई नहीं रहता। अगर तो आपके सामने आपसे बढ़िया कोई प्लेयर आ जाता है तो उसके साथ भी आपको अकेले टैकल करना पड़ता है, और यहाँ पर जो आपको सोचने का बिल्कुल इनफ टाइम मिलता है, कोई आपके जो टीममेट्स होते हैं प्रेशर नहीं रहता कि भाई इसको मार, इस पर रश करें, जल्दी जल्दी कर, जो भी करना, आपके पास खुला टाइम रहता है क्योंकि आपको देखने वाला कोई नहीं रहता और आप अकेले खेलते हो। अब देखो यार आप में से बहुत सारे लोग जो है कभी ना कभी तो सोलो खेले होंगे, और सोलो खेलते समय जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कि उनकी गेम पे इफेक्ट डालता है। अब देखो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सोलो खेलने का, अगर आप ये जानना चाहते हो तो भाई सीजन 2 से लेकर मतलब कोई ऐसा सीजन नहीं रहा हुआ जहाँ पर मैंने जो है सोलो कभी खेला ना हो। लगभग लगभग जो है बहुत सारे मैच खेले, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव किया हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ये वाले बंदे की। अब देखो जब भी आप सोलो खेलते हो ना तो सबसे पहले मैं उतर के देख लिया था कि भाई बंदे किधर किधर है, मोटा मोटा, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा लेकिन मोटा मोटा मैं देख लेता हूँ कि बंदे कहाँ कहाँ उतर रहे हैं, इस हिसाब से मैं जो अपनी सारी प्लानिंग करता हूँ। और ये वाले बंदे ने एक गलती कर दी यहाँ पे कि भाई जब आप किसी पर फायरिंग करते हो सोलो में तो भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना है, सबसे पहले भाई खुद कवर में जाओ, क्योंकि सोलो में जो है कब कोई बंदा किसको मार दे कुछ पता नहीं रहता। सोलो इज़ अ ऑल ओवर ये गेम इसी के ऊपर टिकते कि भाई कौन अपने आप को ज़्यादा छुपा सकता है, लाइक आपको ज़्यादा मारने पर फोकस नहीं करना, आपको ज़्यादा छुपने पर फोकस करना, क्योंकि आप किसी भी तरफ से मर सकते हो। 100 बंदे हैं जो कि किसी भी कोने में छुपे हो सकते हैं, जब अकेला आदमी रहता है तो वो बहुत सारी जगहों पे कैंप भी करता है, तो लाइक यहाँ पे आपको एक हिसाब से छुपना रहता है और अपने आपको दूसरों से बचाना रहता है। अब फिलहाल मैंने उस बंदे को मार दिया लेकिन मेरे को पता था कि वो वाला बंदा जो है सामने किसी और को मारने की ट्राई कर रहा था, तो वहाँ पर भी एक बंदा हो सकता है। अब ये मैंने अपने माइंड में डाल लिया था लेकिन उसको मैं मारने नहीं गया, क्योंकि जबरदस्ती मारने जाऊँगा तो भाई वहाँ पर मैं खुद मर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ से पीछे से कहीं ना कहीं फायरिंग हो रही थी। अब देखो जैसे मैंने ये वाले बंदे को मारा तो मेरे दिमाग में था कि भाई पीछे भी एक बंदा, उसको मार के आना, क्योंकि वहाँ पे जो उसको मैं जिंदा छोड़ के आया था। और कभी भी आप सोलो में किसी को जिंदा छोड़ते हो तो ये आपके लिए जो है खतरा बन जाता है, क्योंकि वो वाला बंदा कभी भी आपका पीछे करके आपको मार सकता है। अब उससे पहले कि उसको मारने जाता है, यहाँ पर ये बंदा एक घास में लेटा हुआ बंदा मेरे पर फायरिंग करता है, और मेरे को किसी भी तरफ से ये बॉट नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बार बार जैसे मैं ओपन में जा रहा था मेरे फायरिंग कर रहा था और काफ़ी एग्जैक्ट फायरिंग कर रहा था। अब उसको मैं देख नहीं पा रहा था, मैं थोड़ा जानबूझ कर अपने आप को एक्सपोज करता हूँ, थोड़ा सा चलता है क्योंकि वो घास में लेटा हुआ था, उसको अच्छे से व्यू नहीं मिलेगा वहाँ से, तो उसको मैं देता हूँ थोड़ा मौका मारने का। बट जब वो नहीं मरता तो भाई किसी को ज़बरदस्ती नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में जो है सोलो में आप ही लोग मर जाते हो। अब यहाँ पर जो अपनी आँखें जो खुली रखनी चाहिए, क्योंकि बंदा कभी भी स्पॉट हो जाता किसी भी जगह पर। और मेरे साथ यहाँ पे वही हुआ, मेरे को सडनली वो बंदा दिख गया, और आपके रिफ्लेक्शन जितने अच्छे हो तो आपके लिए उतना बेटर है। मैं थोड़ा और जल्दी रिएक्ट करता तो उस बंदे को मार सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो वाला बंदा बच जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चाल चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ और जस्ट देखना मैं किस प्रकार से जो है नीचे उतरता हूँ, उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा। अब देखो अभी मैं उसके हिसाब से ऊपर हूँ। अब देखो पहले तो ये वाला बंदा जो है गलत जगह पे टीपी ले रहा था, दूसरा ये बंदा जो है मेरे फुटस्टेप को इतने अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाया। अगर कोई आपके फुटस्टेप सुन ही नहीं पाएगा तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो आप उसको आके मार दोगे और ऐसा लगेगा कि उसको पता नहीं चला। अब यहाँ पे वही हुआ, मैंने जंप का यूज़ किया, और जब आप जंप का यूज़ करते हो तो आपके ज़्यादातर जो है 50% फुटस्टेप नहीं आते, क्योंकि आप 50% हवा में रहते हो, और यहाँ पर भी कुछ वैसे हुआ। जस्ट इस बंदे को देखो, मैंने यहाँ पे जो कोई जल्दी नहीं करी उस बंदे को मारने में, क्योंकि मेरे को पता था वो सिर्फ एक ही बंदा और बीच में खड़ा है, और वहाँ पे क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को वहाँ पे जब मैंने स्कोप खोला तो मेरे को एक और बंदा दिखा, लेकिन वो बंदा नहीं, वहाँ पे बाइक थी। और सोलो में जब आप चलते हो तो भाई कभी भी जो है ज़मीन पर मत चलो, ये सबसे बड़ा खतरा रहता है सोलो में। हमेशा अपने आसपास एक व्हीकल देखो, व्हीकल पर चलो, जहाँ पर भी आपको जाना व्हीकल पर जाओ। अब मेरे को याद था भाई जोजोपुर में एक ऐसा बंदा जो कि घास में लेटा हुआ था, उसको मारना है, ये मेरे माइंड में था। और मैं देखो गाड़ी लेके गया, पैदल जाता तो भाई कोई भी बंदा कहीं से भी मार सकता है। सोलो में कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए कि ये जगह बिल्कुल खाली है, क्योंकि वहाँ पे भी बंदा हो सकता है, ऐसा हर बार हुआ सोलो में, और खासकर रैंक पुश कर दे तो भाई वो तो बहुत ही मुश्किल है। अब देखो यार कई बार हम सोलो में कुछ ज़्यादा दिमाग दौड़ाते तो वो चीज़ भी सही नहीं होती, जैसे कि मैंने यहाँ पे दौड़ाया, मेरे को लग रहा था इतनी देर से कि ये बंदा ही होगा जो कि घास में लेट के मेरे को मार रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो इतनी मेहनत करने के बाद ये बॉट ही निकला। खैर हमको क्या लेने देना है, क्योंकि हमको हमारा किल मिल गया। अब उसके बाद मैं आता हूँ रोजोक में, रोजोक में जब भी आते हो तो एक चीज़ पर हमेशा नोट रखो, रोजोक की पहाड़ी हमेशा देखो, क्योंकि रोजोक जो है मैप के बिल्कुल सेंटर में है, और आता जाता हर बंदा इस जगह से होकर एक बार गुजरता ही है, तो हो सकता है बंदे पहाड़ी पर हो, इसलिए मैं हमेशा एक बार यहाँ से जाते हुए पहाड़ी को जरूर देखता हूँ। और वही मैंने यहाँ पे किया भी, मैं जस्ट इधर उधर देख रहा था, मैं अभी जहाज़ की तरफ था लेकिन पहाड़ी से फायर आया तो मैं पहाड़ी की तरफ चला गया, और उसके बाद होता बहुत गंदा वाला हमला जिसमें मेरी आधी हेल्थ तो ऑलमोस्ट चली गई, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ करी यहाँ पे, मेरे को पता था वो बंदा तुरंत मेरे को मारने आएगा, और हील ना करते हुए मैंने उस बंदे को भी डैमेज कर दिया। अब देखो अगर आपके रिफ्लेक्शन फास्ट नहीं हो तो इस चीज़ में आप मारे भी जा सकते हो, क्योंकि सामने वाला भी अगर फायर कर दे तो आपकी आधी हेल्थ तो वैसे कम है, तो आधी अगर एक आधी बुलेट और लग गई तो इसमें आप मारे जा सकते हो। तो मैंने उसको भी डैमेज कर दिया, अब उसको भी हील करना होगा, और मैं यहाँ पर रिस्क लेता हूँ। और कभी भी किसी पर रश करते हो तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मारे जाओगे, और यहाँ पर वही हुआ, उस बंदे के अंदर शायद कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था मेरी फायरिंग के बाद, क्योंकि मैं जो है काफ़ी ओपन में था,
वो वाला बंदा टीपीपी लेके भी काफ़ी इजीली अगर कैंप भी करता तो भी मार सकता था, लेकिन वो ओपन में आया और मारा जाता वो वाला बंदा, जबकि मैं यहाँ पे जो काफ़ी रिस्क ले रहा था और उस बंदे को मार दिया। अब फिलहाल मैंने सोचा यार ऊपर एक बार देख लेते हैं, अब ये बंदा देखो और इसको देखो कैसे पढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने आपको कहा सोलो में कोई भी बंदा कहीं पे भी हो सकता है, कभी भी विश्वास मत करो कि इस जगह पे कोई बंदा नहीं है, इसलिए जो अपने कान आँख सब कुछ खुले रखो। और मैं यहाँ पे अगेन चेक करने आया कि यहाँ पे बंदा है कि नहीं, और फाइनली वो बंदा निकलता है और अच्छा हुआ वो उस जगह पे मैं रुका नहीं, जस्ट चेक किया। अब फिलहाल उसको मारने के बाद वहाँ से निकल लेता हूँ, आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब अगेन मैं जॉर्जपुर आया था, जॉर्जपुर तो कोई दिखा नहीं मेरे को, लेकिन एक गाड़ी जरूर दिख गई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, ये वाला गाड़ी वाला बंदा मेरे को देख लेता है और प्रिपेयर हो रहा था मेरे को मारने के लिए, लेकिन मैंने जोर से गाड़ी ठोक दी और ये मरा कैसे मुझे अभी भी नहीं पता चला, गाड़ी के अंदर ही बैठा था। ये वाला बंदा तो उतरा भी नहीं, और तभी मेरे को दिखता है एक और बंदा। पहले तो मैं देखा कि वो गाड़ी खड़ी है, लेकिन बाद में सडनली मेरे को कुछ होश सी आई और मैंने फायरिंग कर दी अंधाधुंध, वो वाला बंदा मारा गया। और वो वाला बंदा उतर के जस्ट सोच रहा था कि भाई इस बंदे ने जो है बिना उतरे उस बंदे को मारा कैसे, क्योंकि मैंने गाड़ी उसके बीच में मार दी और वो वाला बंदा मर गया। लेकिन वो जो बगी वाला बंदा था वो जस्ट देखता रहा कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। फिलहाल यहाँ पे मेरी गाड़ी फंस गई थी, तो मैंने सोचा यार सामने वाले की बगी ले लेते हैं, यहाँ पे उड़ा तो दिया है लेकिन ये गाड़ी अब निकल नहीं सकती, तो मैंने सोचा उसकी गाड़ी ले लेती। लेकिन तभी एक और बंदा दिखता मेरे को बहुत दूर भागते, और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में उस बंदे को डैमेज देने की ट्राई में, मतलब इतना अच्छे से एम फोकस नहीं किया उस बंदे पे, और वो था भी काफ़ी दूर तो भाई इतना नहीं हो सकता, और आप वैसे भी वो पेड़ के पीछे जा रहा था तो मेरे को जो भी करना था काफ़ी जल्दी करना था, उसको डैमेज तो नहीं दे पाया। लेकिन इस बंदे की बगी लेके जाता हूँ उस बंदे को मारने में, लेकिन यहाँ पर देखो वो बंदा बिल्कुल प्रिपेयर था। अब यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करना, जब मैं इस बंदे को के साथ फाइट कर रहा था तो मेरे पीछे से एक फायरिंग हुई, और जैसे वो फायरिंग हुई तो मेरे को एक सेकंड था, एक सेकंड भी नहीं था मेरे को डिसीजन लेने के लिए मेरे को करना क्या। अगर मैं वहाँ पे खड़ा रहता तो जो पीछे वाला बंदा वो मेरे को मार देता, क्योंकि मैं इसके तरफ पीट करके बैठा हुआ था, तो इसलिए मैंने फायरिंग होते ही सबसे पहले उस बंदे पर रश कर दिया, ताकि अगर मैं वहाँ से मर भी जाऊँ तो मेरे को दुख ना रहे, क्योंकि मैं पीछे से भी मर सकता था। तो मैंने रिस्क ले लिया और वो बंदे को मार दिया, मारते में ले लिया, और अब मेरा फोकस था बिल्कुल यहाँ पे उस बंदे को देखना, क्योंकि उस तरफ ड्रॉप था और हो सकता है कि वहाँ पे बंदा हो। और वाकई में मेरे को एक बंदा दिखता भी है जो कि ओपन में था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे रैंडम फायर किया, एक दो बुलेट लगाई भी इसको, ये जस्ट इसलिए था ताकि मैं इसको लूट सकूँ, थोड़ा टाइम मिल जाए मेरे को। और अगेन फायरिंग करता हूँ मैं, और ये वाली फायरिंग भी जस्ट डराने के लिए थी। अब यहाँ मेरे को इनफ टाइम मिल गया था कि मैं अपनी बगी उठाऊं और उस वाले बंदे पर रश कर दूं, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रॉप गिरा हुआ हो सकता है वहाँ पे और भी बंदे आएँ, तो अगर आप कुछ ज़्यादा किल करना चाहते हो या आप कर सकते हो तो भाई ड्रॉप के आसपास ही रहो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बंदे आपको मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा प्लान कैंसिल हो जाता है ड्रॉप पे जाने का, क्योंकि इस जगह से फायरिंग होती है, फायरिंग होती है तो मैं समझ नहीं पाता एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने HD में वॉइस कर रखा है, तो मैं एक्चुअली लेंथ पता नहीं कर पा रहा कि भाई फायरिंग हुई कहाँ से, इतना पता चल जाता है कि इस साइड से उस साइड से, लेकिन पता नहीं कर पाता कि किस जगह से हुई। अब फिलहाल मैं आता हूँ ये वाली जगह पे, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख चुकी थी, लेकिन उससे पहले ये वाला बंदा भी आ जाता है जिसने किसी को मारा था, और अब आ रही है इस बंदे की। अब देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आते समय इस बंदे को देख लिया था, जिनको जिन्होंने इतनी छोटी सी चीज़ नोटिस नहीं करी, जस्ट दोबारा उस जगह से देखना जब मैं इस जगह पे आया था, तो वो वाला बंदा वहाँ पे लेटा हुआ था जो कि मैंने देख लिया था। अब उससे पहले कि उतर के मैं कुछ कर पाता, सामने से बगी आ जाती है, बगी वाले को तो मैं मार देता हूँ, और वो वाले बंदे को अभी भी लग रहा था क्योंकि वो उस जगह पर लेटा हुआ था, उसको लग रहा था कि इसने मेरे को नहीं देखा, लेकिन वो खुद फायरिंग भी कर देता, अपने आप को रिवील भी कर देता, मेरे को कुछ साइन समझ नहीं आई उस वाले बंदे की। लेकिन अभी तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जस्ट मैं याद दिला रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी बढ़िया लग रहा हो तो जस्ट सब्सक्राइब करो, एंड बहुत जल्दी 4 मिलियन भी टच करने वाले, तो भाई जो भी लोग देख रहे हो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दो। भाई मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि वो किस जगह पे है, भाई सबको पता है, तो जाओ यार उसको सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कभी कभी जो किस्मत भी आपकी ख़राब होती है, सोलो में हर एक जो सामने चीज़ दिखती है वो होती नहीं है। सामने मेरे को एक बगी दिखी, एक ड्रॉप था, मतलब बंदा बगी से आया, ड्रॉप लूट रहा है और ड्रॉप के पीछे छुपा होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ओपन है, वो बंदा इसी जगह पे होगा क्योंकि ड्रॉप भी अभी अभी गिरा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा, मैंने बम पे बम फेंक दी, वहाँ पे बहुत सारे नेट वहाँ पे मैंने गिराए, एक तो ड्रॉप के पीछे गिर गया, मैंने सोचा थोड़ा आगे भी फेंकता हूँ, तो आगे भी फेंका लेकिन ये वाला नेट भी कुछ काम का नहीं आया, तो मैंने सोचा जाके चेक ही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो वो वाला बंदा हो सकता है इसी ड्रॉप के पीछे, क्योंकि सामने बगी रुकी है और इधर ड्रॉप है, लेकिन ड्रॉप लूटा नहीं है और बंदा भी यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जस्ट एक कोइंसिडेंट था जो कि हुआ मेरे साथ, एक ड्रॉप गिरा था जहाँ पे एक बगी थी जो कि बंदा ऑलरेडी कब का छोड़ के चला गया था, और मैं यहाँ पे फालतू में अपना जो है 10 से 5 मिनट वेस्ट कर दिए, लेकिन तभी सडनली एक बगी की आवाज़ आती है और उस बंदे ने भी यही स्टेप किया जो मैंने किया। मेरे को एक आवाज़ आई, मैं चलती बगी से कूद गया जो कि लगभग बहुत ही कम स्पीड थी, उस बंदे ने भी अपनी बगी जो है काफ़ी दूर रोक दी, काफ़ी तो नहीं लेकिन फिर भी इस रिज के पीछे रोक दी, और उसने भी यही किया, जैसे मैं उतरा उस वो भी इसी तरह उतरा। अब मैं उस पर रश करने आया तो उसने फुट स्टेप सुन लिए और वो यहाँ पे आके लेट जाता है। लेट गया तो भाई मैं ज़्यादा आगे नहीं गया क्योंकि मेरे को हल्का सा दिख गया था,
और यहाँ से मैं ज़्यादा आगे जाता तो भाई मैं मर जाता, ऑब्वियसली वो लेट हुआ था तो ज़्यादा बेनिफिट उसका था। तो मैं यहाँ पे नीट में नहीं फेंकना स्टार्ट कर देता हूँ, और उस बंदे ने भी अपनी पोजीशन जो है चेंज कर दी थी क्योंकि इतना पागल तो वो था नहीं। तो मैंने भी यहाँ पे नेट पे की, उसने भी अपनी पोजीशन चेंज कर दी, लेकिन एट द एंड अब भले ये वाला बंदा जो यहाँ पे लेट हुआ था और थोड़ा बहुत एडवांटेज में था, लेकिन इसके बावजूद भी कि जब उसको पता चल गया कि भाई उसमें मैं नेट फेंक रहा हूँ, वो वाला बंदा जो वहाँ से उठा नहीं और इसी चक्कर में मारा जाता है, क्योंकि सामने वाला जो है कुछ ना कुछ करके तो आपको मार ही देगा जब उसको आपकी लोकेशन पता चल गई है। अब वो मारा गया तो मैं आता हूँ ये वाली जगह पर, यहाँ पर ड्रॉप गिरा था और मेरे को एक समझ नहीं आई पबजी वालों की कि भाई ये जो ये इस तरफ जो ये लगा रखे हैं रेलिंग से इस तरफ क्यों लगाएं, क्योंकि इस तरफ तो कोई दरवाज़ा भी नहीं है, खिड़कियाँ हैं, और खिड़की के लिए मेरे को लग रहा है ये थोड़ा बहुत कोडिंग वोडिंग गलत हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बंदा था जिसको मारने के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि जब मैं बगी लेके आता तो भाई ऊपर से कुछ फुटस्टेप आते हैं, इस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ मैं ऊपर। अब इस बंदे के पास भी एडवांटेज है, लेकिन इसका दिमाग देखो ये नीचे घुस जाता है, और अब मैं क्या ही कहूँ। अगर सामने वाले के हाथ में MK-14 है तो भाई उसे जितना हो सके दूरी बना के रखो, और यही आपके लिए बेटर रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करो, क्योंकि MK-14 वाले के पास जो है जो बुलेट है वो काफ़ी स्पीड में ट्रैवल करती हैं, और आपने हल्की सी भी मूव कर दी तो भाई वो उसकी जो काफ़ी बुलेट्स हैं वो इधर उधर मिस हो जाती हैं। और यही तरीका है MK वाले से बचने का, थोड़ी दूरी बनाओ और थोड़ा सा जो है आप मूवमेंट करो। अब फिलहाल यहाँ पर जब मैंने गाड़ी चेंज करी तो भाई फायरिंग हुई। अब फायरिंग हुई तो मैंने दिमाग लगाया कि पीछे तरफ से जोन आ रहा है, सामने की तरफ से हुई हुई फायरिंग, और सामने की तरफ से भी इसी वाली बिल्डिंग से हुई जो कि मेरे सामने दिख रही है, क्योंकि इस तरफ मेरे राइट में जो है जोन नहीं है आप देख सकते हो, तो मैं इस जगह पर आ जाता हूँ थोड़ा देखने के लिए। लेकिन मैंने पीछे भी जो है काफ़ी घूमा, उधर मेरे को कोई नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर जैसे आता तो यहाँ पर मेरे को जो है कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया भाई मैंने HD वॉइस कर रखी है, जिसकी वजह से मैं इतना अंदाजा एक्यूरेट नहीं लगा पा रहा कि बंदा किधर है। मेरे को लगा वो ट्रिपल स्टोरी में है, लाइक ट्रिपल वाली जो तीसरी बिल्कुल लास्ट वाली जो स्टोरी है, तो मैं वहाँ पे नेट फेंकता हूँ, लेकिन वो नेट भी गलत गिर जाता है। अब मैंने यहाँ पे पहले जब अंदाजा ही गलत लगा लिया था तो भाई उसका अंजाम भी गलत ही होगा, क्योंकि आपने अगर अंदाज़ा गलत लगा दिया सोलो में तो भाई वहीं पर आपकी गेम ख़त्म। और यहाँ पर मेरे को जो है अब जस्ट देखो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, यहाँ पर मैं गया था तीसरी स्टोरी पर, लेकिन वहाँ पर मेरे को लगा कि कोई नहीं है और मैं आ जाता हूँ नीचे वाली स्टोरी पर। अब यार यहाँ पे फाइनली 12 बज गया मैं, और इसी चीज़ के लिए सबसे पहले तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई 4 मिलियन हिट कराने तक जो है जितने भी लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सारे के सारे जो है सब्सक्राइब ट्राई करो। अब फिलहाल इस बंदे को मारो, और तभी मेरे को नीचे से कुछ फुटस्टेप आते हैं और गलती से फायरिंग भी हो जाती है, तो वो बंदा समझ आता है कि मैं इसी वाली बिल्डिंग में हूँ। वैसे वो समझ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो अभी भी फायरिंग हुई तो वैसे भी समझ गया होगा। अब वो वाला बंदा कहीं ना कहीं टिप भी ले रहा था, और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ओपन में जाकर मरना नहीं चाहता था, दैट्स व्हाई मैं सबसे पहले यहाँ पे हील करने लग जाता हूँ, क्योंकि किसी के साथ फाइट करनी है तो ओब्वियसली यार आपके पास कोई भी गन हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, हाथ में MK ले लेता हूँ और अपने आप को बूस्ट कर लेता हूँ जितना हो सके। अब यहाँ पे वो वाला बंदा जो मेरे को पता था पिछले केस की तरह नहीं कि मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था भाई बंदा सामने है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ उसको थोड़ा मेंटली जो है प्रेशर डालने के लिए नेट की पिन खींचता हूँ और सडनली रश कर देता हूँ। और यार फाइनली ये वाली चीज़ जो है काम कर जाती है, और इसी के साथ होता है एक इजी चिकन डिनर। तो होप यार आपको ये वाली वीडियो जो है काफ़ी बढ़िया लगी होगी। आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई मैं सोलो क्यों खेलता हूँ, बोरिंग होता है। ओब्वियसली यार अगर जो बंदा देख रहा है उसके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन जो बंदा खेलता है सोलो और जो अटैकिंग होता है तो उसके लिए ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होता। और आपने पबजी PC के भी जो है बहुत सारे स्ट्रीमर्स देखे होंगे जो बिल्कुल सोलो ही खेलते हैं, मैं भी उनके जब गेम प्ले देखता हूँ तो भाई वो बिल्कुल ही सोलो खेल रहे होते हैं। लाइक जितनी भी बार आप उनको स्ट्रीम करते हुए देखो वो स्क्वाड में नहीं खेलेंगे, सोलो ही खेलेंगे, क्योंकि ओब्वियसली यार सोलो खेलने से जो आप खुद को जो स्किल्स आपके अंदर होती है वो आप ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाते हो। जब आपके दोस्त आपको खेलते हुए देखते हो तो भाई थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि मेरे को उनके सामने बेटर परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्म करना है बेटर, तो लाइक थोड़ा प्रेशर रहता है। लाइक सोलो में ऐसा कुछ नहीं होता, सोलो एकदम बिंदास है, तो ट्राई करो सोलो खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो। और बाकी अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो या कुछ भी बढ़िया लगा तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि 4 मिलियन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो 3 बार बोल चुका हूँ भाई, तो कर ही दिया होगा यार अभी तक, होप ट्राई करता हूँ कर दिया होगा सब्सक्राइब। तो मिलते फिर ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, अगेन बोल रहा हूँ, तो बाय।